जिसमें लामानी अल्लामक हमने अपने पिछले प्रोग्राम में एसेट्स यानी असासाज साइड ऑफ बैलेंस शीट के बारे में बात की थी आज हम बैलेंस शीट की दूसरी साइड यानी लाइबलिटी साइड्स के बारे में बात करेंगे लाइबलिटीज़ यानी वाजबात को हम दो ब्रॉड हिस्सों में तकसीम करते हैं इक्विटी और लाइबलिटीज़ इक्विटी से मुराद वो वाजबात हैं या वो ड्यूज़ हैं जो एक कंपनी अपने मम्बराम यानी शेयर होल्डर्स को ओव करती है इक्विटी को हम चार हेडिंग्स में शो करते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल रिजर्व और अन्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या गैर मुनकस्म मुनाफा वो मुनाफा जो कंपनी ने कमाया है और अभी तक कंपनी ने तकसीम नहीं किया है लाइबलिटीज़ से मुराद वो वाजिबा हैं जो कंपनी किसी आउटसाइडर्स को पीपल अदर देन द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी उनको कंपनी ने अदा करने हैं लाइबलिटीज़ को हम दो हेडिंग्स में शो करते हैं लॉन्ग टर्म लाइबलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ हैं जो कंपनी ने एक लंबे अरसे के बाद या कंसिडरेबल पीरियड के बाद अदा करनी है जो यो कमस कम अज़ कम कंपनी ने 12 महीने बाद यानी कंपनी की अगली बैलेंस शीट की तारीख के बाद अदा करनी है जबकि शॉर्ट टर्म या करंट लाइबलिटीज़ वो लाइबलिटीज़ हैं वो वाजबात हैं जो कंपनी ने किसी भी वक्त अदा करनी है या ज्यादा से ज्यादा अगले 12 महीनों के अंदर अंदर अदा कर देनी है यानी कंपनी की अगली बैलेंस शीट की डेट से पहले जो काबिल अदा है अब हम जरा तफसील की तरफ आते हैं पहले देखेंगे अथोइज़ शेयर कैपिटल अथोरइज शेयर कैपिटल बुनियादी तौर पे कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है जो कंपनी के बारे में दी जानी है और कानून के मुताबिक ऑथराइज शेयर कैपिटल को बैलेंस शीट में दिखाना कानूनी तौर पर जरूरी है ऑथोरइज शेयर कैपिटल क्या होता है अथोराइज शेयर कैपिटल वो इंतहाई रकम है जो कंपनी अपने शेयर्स की फरोख्त से हासिल कर सकती है जब कंपनी रजिस्टर होती है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करती है जिसे हम कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है इसमें कंपनी लिखती है कि वो कितनी किस्मों के शेयर किस किस पार वैल्यू के और किस किस तदाद में जारी करना चाहती है जब ये मेमोरेंडम एसोसिएशन जो है सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन के पास सबमिट किया जाता है और जब वो उसको मंजूर कर लेती है और कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉपेशन जारी करती है तो फिर ये अमाउंट कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल बन जाता है ऑथोराइज शेयर कैपिटल के जो हिस्से होते हैं उसमें यह कि मुख्तलिफ़ किस्मों के शेयर उन शेयर्स की पार वैल्यू और मैक्सिमम तादाद ऑफ शेयर्स तो अब नंबर ऑफ शेयर्स तादाद ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई बार वैल्यू ऑफ ईच शेयर जो है वो हर किस्म के शेयर का वो टोटल अमाउंट बन जाती है और कंपनी ने जितने किस्मों के शेयर जारी करने हैं उन तमाम का टोटल जो है वो कंपनी का अथोरइज शेयर कैपिटल कहलाता है जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया अथोरइज शेयर कैपिटल जो है कंपनी की लाइबिलिटी नहीं होती यह लाइबिलिटी उसी वक्त बनती है जब कंपनी एक्चुअली उन शेयर्स को इशू कर देती है लेकिन कंपनी ने चाहे वो शेयर इशू किए हों या ना किए हों ऑथोज शेयर कैपिटल की रकम बैलेंस शीट में शो करना एक कानूनी रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ शेयर्स के टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में आपने अपने मुख्तलिफ कोर्सेज में पढ़ा होगा ऑर्डिनरी शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स या किसी भी और किस्म के शेयर्स जो कंपनी जारी करना चाहे वो अपने मेरेडम में लिख सकती है और अगर सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन उसको अप्रूव कर दे तो फिर कंपनी उन शेयर्स को जारी कर सकती है वेरी वेरी ब्रीफली प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनको प्रॉफिट की अदायगी में ऑर्डनरी शेयर्स पे तरजीह यानी प्रेफरेंस होती है उनको ऑर्डनरी शेयर होल्डर से पहले प्रॉफिट मिलता है लेकिन उनका प्रॉफिट जो है एक सर्टन परसेंटेज पे रिस्ट्रिक्टेड होता है जबकि ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स हैं वो होते हैं जो कंपनी के सारे मुनाफे के हकदार होते हैं आफ्टर अदर टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स हैव बीन पेड यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या और किसी किस्म के शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट की अदायगी के बाद बाकी जो भी प्रॉफिट बचता है वो ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है अथोराइज शेयर कैपिटल को कैसे ऑडिटर वेरीफाई करेगा इसकी दो सोर्सेज हैं कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देखें उसमें क्या लिखा हुआ है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखें जिसमें कि ऑथोराइज शेयर कैपिटल की रकम सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन या रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से तहरीर की जाती है तो ये वेरिफिकेशन का वाहित तरीका है अब हम आते हैं इशूड एंड पेड अप शेयर कैपिटल इशूड के शेयर कैपिटल से मुराद है जितने शेयर्स कंपनी ने एक्चुअली इशू करते हैं उनकी मजमू पार वैल्यू और पेडअप शेयर कैपिटल से मुराद है वो रकम जो कंपनी ने शेयर्स की फरोख्त से एक्चुअली हासिल की है अब आम तौर पे जितने का शेयर होता है कंपनी उसकी मजमू रकम एक वक्त बक... में ही वसूल कर लेते यानी दस रुपए का शेयर जब जारी किया जाता है तो कंपनी दस रुपए लेने के बाद ही जारी करती है लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि शेयर्स की वैल्यू बहुत हाई होती थी यानी कोई शेयर एक हज़ार रुपये का या दस हज़ार रुपये का होता था और कंपनी वो शेयर्स किस्तों में बेचा करती थी आजकल ऐसा नहीं होता लेकिन जब कंपनी किस्तों में शेयर बेचा की करती थी तो उस वक्त इस बात का इम्कान होता था कि कंपनी का इशूड शेयर कैपिटल जो है वो पेड अप शेयर कैपिटल से मुख्तलिफ हो आजकल कल चौके शेयर्स टोटल अदायगी के बाद ही जारी होते हैं इशूड शेयर कैपिटल की रकम एक ही होती है अब ऑडिटर इशूड इशू ऑफ शेयर कैपिटल को कैसे वेरीफाई करेगा पहली बात जो ऑडिटर ने वेरीफाई करनी है वो ये है कि कंपनी जो शेयर जारी किए हैं इशू किए हैं और जो पेड अप कैपिटल वसूल किया है वो कंपनी के ऑथोराइज शेयर कैपिटल की लिमिट के अंदर है क्योंकि कोई कंपनी अपने शेयर कैपिटल से ज्यादा शेयर्स नहीं बेच सकती दूसरी बात यह अगर ये शेयर साल के दौरान इशू नहीं हुए हैं तो ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि पिछले साल की बैलेंस शीट की क्लोजिंग बैलेंस को चेक कर ले क्योंकि पिछले साल की बैलेंस शीट भी ऑडिट हुई हुई है और ये उसकी वेरिफिकेशन होगी कि जो इस साल में बैलेंस है वो भी दुरुस्त है अगर शेयर्स साल के दौरान इशू किए गए हैं अगर यहाँ कोई नए शेयर साल के दौरान इशू किए गए हैं तो उस सिलसिले में ऑडिटर्स ने इन बातों का ख्याल रखना है सबसे पहले तो ऑडिटर ने देखना है कि क्या इन शेयर्स को जारी करने की फ़रोख्त करने की अप्रूवल मुनासिब हलकों से ले ली गई है मिसाल के तौर पर सबसे पहले अपने शेयर होल्डर से मंजूरी लेनी है कि नए शेयर जारी कर दिए जाएँ सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेनी है और इसके अलावा मुख्तलिफ किस्मों की कंपनीों के लिए मुख्तार और रेगोलेटरी अथॉरटीज़ भी हैं मिसाल के तौर पर अगर किसी बैंक ने नए शेयर जारी करने हों तो वह सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज कमीशन से पहले स्टेट बैंक ऑफ़ पाकिस्तान से इजाज़त लेता है तो जिस जिस इदारे की इजाजत की जरूरत है ऑडिटर ने देखना है कि वो इजाज़त हासिल कर ली गई दूसरी चीज़ ऑडिटर ने देखनी है वो ये है कि इस इशू के बारे में यानी शेयर इशू के बारे में जितनी मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स या शरात वगैरह हैं उनकी वो डिटेल स्टडी करे मिसाल के तौर पर अगर पब्लिक को शेयर बेचे गए हैं तो प्रोस्पेक्टिस जारी की गई होगी प्रोस्पेक्टिस देखिए वह मुनासिब है कि नहीं फिर आप देखना है कि ये शेयर कैसे जारी किए गए हैं क्या वो पब्लिक को जारी किए गए हैं या प्राइवेटली किसी बंदे को प्राइवेटली ग्राहक तलाश करके उसे फरोख्त कर दिए गए उस सूरत में भी कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट कोई ना कोई डॉक्यूमेंट बनी होगी ऑडिटर ने उस डॉक्यूमेंट को तफसील से देखना है तीसरी चीज़ ऑडिटर ने देखनी है कि वो किस कीमत पर जारी किए गए हैं कानून के मुताबिक शेयर्स जो हैं वो पार वैल्यू पे या पार वैल्यू से ज़्यादा रकम पर फरोख्त किए जा सकते हैं अगर कोई शेयर अपनी पार वैल्यू से ज़्यादा रकम पर फरोख्त किया जाता है मिसाल के तौर तो पर दस रुपये का शेयर जो है अगर अठारह अच्छा रुपये में बेचा जाए तो जो पार वैल्यू और इशू वैल्यू के दरमियान फ़र्क है उसे हम प्रीमियम कहते हैं सो दस रुपये पार वैल्यू आठ रुपये प्रीमियम अठारह अच्छा रुपये इशू वैल्यू गिनी जाएगी अगर प्रीमियम पर इशू किए गए हैं तो फिर ऑडिटर ने देखना है कि वाकई वो प्रीमियम वसूल हुआ है कि नहीं आखिरी बात यह है कि इशू के मुतल जितनी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो मंजूरियाँ चाहिए या जो सर्टिफिकेशन या जो डॉक्यूमेंटेशन फ़ाइल करनी है वो पूरी हो गई है और उसके बाद ही वो इशू किया गया है अगर कंपनी ने शेयर्स कैश के अलावा किसी और वजह की बना पर इशू किए कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी जो है वो शेयर्स कैश या कैश के अलावा किसी कंसिलेशन में करती है अगर कंपनी ने शेयर्स कैश के अगेंस्ट इशू किए हैं तो सबसे पहले ऑडिटर ने देखना है कि कैश इशू की प्रोसीजर क्या है खासकर अगर पब्लिक को जारी किए गए हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है क्योंकि एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा वेल ड्रॉन आउट प्रोसीजर होता है और ऑडिटर और को चाहिए कि उस प्रोसीजर को डिटेल में वेरीफाई करें अगर इशू में मुख्तफ बैंक्स इन्वॉल्व हैं एक नहीं बल्कि बहुत सारे बैंक्स इन्वॉल्व हैं तो ऑडिटर को चाहिए कि उन तमाम बैंक्स की स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करें कैश बुक में एंट्री वेरीफाई करें और शेयर कैपिटल अकाउंट में जो क्रेडिट की गई है रकम उसको वेरीफाई करें कि वो तमाम एक दूसरे से कोरोस्पॉ करते हैं अगर शेयर्स प्रीमियम पे इशू किए गए हैं यानी पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू किए गए हैं तो ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि वो देखे कि जो रकम आई है उसका टोटल कैश बुक में डेबिट हुआ है जो शेयर्स की पार वैल्यू है वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की गई है और जो प्रीमियम का अमाउंट है वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में क्रेडिट किया गया है शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं कर दिया गया जो शेयर प्रीमियम है इसे हम कैपिटल रिजर्व कहते हैं और इसे बैलेंस शीट में एक अलग हेडिंग कैपिटल रिजर्व के तहत शो किया जाता है अगर शेयर्स कैश के अलावा किसी कंसिड्रेशन के अवसर जारी किए गए हैं कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कोई प्रॉपर्टी ख़रीदती है या कोई और बिजनेस ख़रीदती है तो उनको अदायगी कैश में करने के बजाय शेयर्स की शक्ल में कर देती है तो ऑडिटर ने देखना है कि इस तरह शेयर जारी करने की ज़रूरत क्यों पेश आई क्या एसेट्स एक्वायर की गई थी या किसी बंदे ने कंपनी के बिहाफ़ पे कोई खर्च किया था कोई एक्सपेंसेस किए थे या किसी बंदे ने कंपनी से कोई फीस वसूल करनी है या अपने किसी सर्विसेज की चार्जेस वसूल करने हैं तो उनको वो चार्जेस कैश में देने के बजाय शेयर्स की शक्ल में दे दिए गए मिसाल के तौर पर जब तक कंपनी बन नहीं जाती जब तक कंपनी क्रिएट नहीं होती तो उस वक्त तक कंपनी की क्रिएशन के सिलसिले में जितने अखराज होते हैं वो ज़ाहिर है इस्पॉसर्स अपनी जेब से अदा करते हैं और जब कंपनी बन जाती है और कंपनी को शेयर जारी करने का अख्तियार मिल जाता है तो कंपनी उन तमाम एक्सपेंसिस को पे कर देती है और उनको पे करने की शक्ल आमतौर पर यह होती है कि जिस जिस बंदे ने वह अखराज किए होते हैं उनको मुनासिब रकम के शेयर्स जारी कर दिए जाते हैं अब ऑडिटर ने फॉर शेयर्स इशूड अदर देन कैश ऑडिटर ने इस सिलसिले में देखना है कि ये जो शेयर जारी किए जाएँ क्या है वो मुनासिब हैं रीज़नेबल हैं कहीं ज़्यादा तादाद में तो शायरी नहीं कर दिए गए दूसरी चीज़ ऑडिटर ने देखने हैं कि इन शेयर्स को जारी करने के लिए मुनासिब अथॉरिटी ने अप्रूवल्स दी है मतलब ये नहीं है कि कोई एक क्लर्क है अच्छा भाई इसके इतनी, इतनी रकम के बजाय इतने शेयर्स दे दो बल्कि इसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से ली जानी चाहिए फिर ऑडिटर ने जो कंसिड्रेशन जिस कंसिड्रेशन के एवज शेयर जारी किए गए हैं ऑडिटर को चाहिए कि उसकी ऑडिटिंग डेप्थ में करें मिसाल के तौर पर अगर शेयर्स जो हैं एक प्रॉपर्टी के अवज़ जारी किए गए हैं तो ऑडिटर को चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के तमाम कागजात को डिटेल में देखे क्या वो प्रॉपर्टी वाकई एग्जिस्ट करती है उसकी वैल्यू उतनी ही है जितने शेयर जारी किए गए हैं क्या वो प्रॉपर्टी कंपनी की ज़रूरत के लिए है क्या वो प्रॉपर्टी मुनासिब प्राइस पे एक्वायर की गई है तो इसको तमाम क्या उसके कागजात सही हैं उसकी ओनरशिप सही है क्या कंपनी का नाम ट्रांसफ़र कर दी गई है तो इसकी डिटेल ऑडिटिंग बहुत जरूरी है उसके बाद ऑडिटर ने यह देखना है कि जब ये शेयर इशू हो गए हैं तो वो शेयर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो गए हैं और अगर किसी एसेट के बिज हुए थे तो एसेट अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है अगर वो किसी एक्सपेंस के तहत हुए थे तो उस एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है अब हम आते हैं शेयर इशू की तीसरी किस्म जबकि कंपनी बग़ैर किसी कंसिड्रेशन के शेयर जारी करती है उसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स बोनस शेयर्स कंपनी अपने मुनाफे में से जारी करती है अक्सर ऐसा होता है कि कंपनी में प्रॉफिट कमाया है लेकिन उस प्रॉफिट को बजाय कैश डिविडेंट की सूरत में अदा करने के कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री शेयर्स जारी कर देती है जिसे हम कहते हैं बोनस शेयर्स अब बोनस शेयर जारी करने के बारे में कुछ कानूनी तरीक़ाकार हैं कानूनी मंजूरियां हैं रिक्वायरमेंट्स हैं ऑडिटर को चाहिए कि उन कानूनी रिक्वायरमेंट्स को चेक करें मिसाल के तौर पर पहली रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी बोनस शेयर तभी जारी कर सकती है अगर कंपनी के पा ने इतना मुनाफा कमाया हो अगर कंपनी के पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो तभी बोनस शेयर जारी किए जा सकते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट ये है क्या कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है कानून होता है क्या उसमें बोनस शेयर जारी करने का अख्तियार कंपनी को है या नहीं है फिर कंपनी ने यह भी देखना है कि बोनस शेयर्स जो हैं क्या शेयर होल्डर्स ने उनकी मंजूरी दी है बोनस शेयर सिर्फ डायरेक्टर्स की मंजूरी से नहीं दिए जा सकते बल्कि शेयर होल्डर्स ने मंजूरी दी है और आखिरी अहम रिक्वायरमेंट ये है कि जब कंपनी बोनस शेयर्स जारी करे तो तमाम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स में यानी बैलेंस शीट में प्रोस्पेक्ट्स में एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स रिपोर्ट में ये मुनासिब तौर पर डिस्क्लोज कर दिया जाए कि ये कंपनी ने शेयर बोनस शेयर के तौर पर जारी किए हैं फिर ऑडिटर ने यह देखना है कि जब बोनस शेयर जारी किए हैं तो उसके अकाउंटिंग एंट्रीज दुरुस्त है यानी प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया गया है और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है और तीसरी अहम चीज़ जो ऑडिटर ने देखनी है कि जो एक्चुअल शेयर्स की इशू की प्रोसेस है उसका भी वो मायना करे कि वो सही तादाद में सही बंदों को सही अमाउंट के शेयर्स जारी किए जा रहे हैं अब शेयर कैपिटल का एक और पहलू है शेयर ट्रांसफ़र्स पब्लिक लिमिटेड कंपनी की बड़ी ख़ासियत यह है कि उसके शेयर्स ट्रांसफ़रेबल होते हैं यानी कोई भी शख्स कोई भी शेयर होल्डर किसी वक्त अपने शेयर्स किसी को भी बेच सकता है और उसके लिए आमतौर पर किसी मंजूरी की भी ज़रूरत नहीं होती जब कोई शेयर होल्डर अपने शेयर बेचता है तो कंपनी पर लाजिम है कि वो अपने रिकॉर्ड्स में उसका इंदराज करे कि अब ये शेयर होल्डर नहीं रहा अब ये शख्स हमारा शेयर होल्डर है ऑडिटर की जिम्मेदारी ये है कि इस शेयर ट्रांसफ़र के सिलसिले में वो वेरीफाई करे कि तमाम लीगल फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो पूरी कर दी गई हैं वो शेयर ट्रांसफ़र की जो रिक्वेस्ट है जो बंदा शेयर ट्रांसफ़र करना चाहता है वो उसको चेक करे कि वो सही है उस रिक्वेस्ट को वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर करे मिसाल के तौर पे नोट फ्रॉम द ब्रोकर या नोट फ्रॉम सीडीसी जो कि सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी है या कंपनी के शेयर रजिस्टर से इन चीज़ों का कंपेयर करे ताकि उसको ये यकीन हो जाए कि ये दुरुस्त है फिर जो